खबर वाले अगर फिर से जहां पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी अब भारत में पुनः अपने पांव पसार रही है, जिसके दृष्टिगत लोगों को महामारी से बचाव के प्रति जागरूक करने हेतु बलिया जनपद के रष्टा थाने से उप जिलाधिकारी रष्टा क्षेत्राधिकारी रष्टा थाना प्रभारी निरीक्षक रष्टा के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें चौकी प्रभारी उत्तरी प्रमोद कुमार सिंह, चौकी प्रभारी दक्षिणी राजकपूर सिंह समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फ्लैग मार्च रष्टा थाने से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः रष्टा थाने में जाकर समाप्त हुआ, जिस दौरान कोतवाल नागेश उपाध्याय ध्वनि विस्तारक के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने जैसे आवश्यक बातों प्रति लोगों को जागरूक करते रहे। साथ ही पंचायत चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के दौरान एक जगह पर 5 लोगों के इकट्ठा न होने तथा अनावश्यक यहां वहां न घूमने की बात भी कही। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रभु दयाल ने बताया कि लोगों को कोरोना से बचाव हेतु मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते व समय समय पर हाथ धोते रहने के प्रति जागरूक करने को यह फ्लैग मार्च निकाला गया। आज रात्रि से लागू नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि 9 से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिस दौरान कोई इमरजेंसी न होने पर घर से बाहर न निकले। अगर आपातकाल में निकलना पड़े पर मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें व सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जिससे कोरोना महामारी के प्रकोप से अपने साथ साथ अपने परिवार की भी रक्षा की जा सके। साथ ही बताया कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता लागू है, पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। अगर इस दौरान एक स्थान पर 4 से अधिक लोग इकट्ठा पाए जाते हैं या बिना अनुमति के किसी प्रकार का झंडा या बैनर पोस्टर लेकर घूमते या चिपकाते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उस कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए आज पूरी नगर पालिका परिषद में फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, हाथ धुलने के लिए जागरूक किया गया है। वो हर क्षेत्र के लिए नाइट कर्फ्यू की बात कही गई है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात में कोई भी वाहन ना निकले जब तक बहुत ही इमरजेंसी ना हो। दिन में भी कोई भी वाहन ना निकले जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। अधिकतर लोग अपने घर में रहें, कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, और बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर पहने, हाथ में सैनिटाइजर रखें, बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहें, किसी चीज़ को छुएं तो हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। अपील करना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव के मद्देनज़र आचार संहिता लागू है और ज़िले में धारा 144 भी लागू है। 5 व्यक्ति से अधिक कहीं भी इकट्ठे ना हों, और यदि कोई इकट्ठे होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, और आचार संहिता का पालन करें। बिना अनुमति के कोई भी झंडा, पोस्टर, बैनर आदि लेकर न चलें और न ही कहीं चिपकाएं। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।